सेंटर में बनाने जा रही है और आप सबका आशीर्वाद हमें चाहिए। और इसके साथ ही मैं अब जो है आपसे मिलती रहूंगी और आगे जो भी है, जो जिस तरह से हमारा प्लान है चीज़ें एग्जीक्यूट करने का और लॉन्च करने का, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। आप सब मीडिया बंधुओं का भी हमें जो है वो इसमें सहयोग चाहिए होगा और मंडी का जो है अब भविष्य जो है बहुत ही उज्ज्वल होगा। धन्यवाद। जैसे पीएम मोदी ने अपने 100 दिन का जो है प्लान पहले से सेट कर दिया, कंगना रनौत का प्लान अब क्या है? देखिए, जैसा कि हमने कहा कि हर एक जो है विधानसभा जो है उनकी अपनी मांगे हैं, जो 17 विधानसभा है उनकी अपनी मांगे हैं। बहुत सारे जो काम हैं वो जब कांग्रेस के एमपी थे तो उन्होंने रुकवा दिए थे, चाहे स्कूल हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हैं, टनल हैं, हाईवेज हैं, बड़े रोड्स हैं, राजमार्ग हैं, इस तरह के न जाने कितने काम जो हैं वो कुछ करने को हैं, कुछ जो है रोक दिए गए हैं। और उससे भी बढ़कर जो हमारी सेंटर की स्कीम्स हैं उनके लाभार्थी काम, तो खैर अब मैं बात करने लगूँ तो यहाँ पर बहुत लंबा समय खिंच जाएगा। और हमें जो है अब जिस तरह से आदेश होंगे और जिस तरह से हमें रास्ता दिखाया जाएगा उस तरह से जो है हम काम करेंगे। कुछ वक्त जो है मुझे देखने में कि पीछे के जो लोग हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो रोक के रखी हैं उसमें काफ़ी वक्त जाएगा, क्योंकि इस वक्त पर जहाँ तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम है और पिछले जो हमारे थे उन्होंने एकदम जो है नील स्तर पर जीत दर्ज कर ली कंगना रनौत ने, उसके बाद वो बाइट दे रही थी। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त, अमित शाह ने जीतन राम मांझी से बातचीत की है और कल मीटिंग भी होने वाली है एनडीए की और न्योता भी दिया जा रहा है एनडीए की बैठक में शामिल होने का। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल दिल्ली में एनडीए नेताओं की मीटिंग होगी, यानी कि अनुपम ये लग रहा है कि क्लाइमेक्स और पिक्चर अभी बाकी है। जाहिर तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जीतन राम मांझी को यहाँ पर बधाई दी है, फोन करके बधाई दी है, एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता, यानी कि एनडीए जो अभी नंबर आप देख रहे हैं रुझानों में हो और कुछ देर के बाद जो फाइनल नंबर एनडीए का सामने आता है, उस एनडीए को बनाकर रखने के लिए कि वो एनडीए बना रहे, वो यहां पर क्योंकि एनडीए में फूट ना हो या एनडीए में जो बाकी दल है वो किसी तरह से यहां पर एसपी के वीरेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे पीछे चल रहे हैं और एक मार्जिन बड़ा है पीछे चलने का महेंद्र नाथ पांडे का, केंद्रीय मंत्री। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एसपी के वीरेंद्र सिंह भी आगे चल रखे हैं समाजवादी पार्टी को, अच्छा यहां पर मार्जिन। लोधी साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? और सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर यहां पर आ रही है इस वक्त, आज शाम बीजेपी ऑफिस जाएंगे पीएम मोदी, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हलचल तेज हो गई है, देखिए पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन एनडीए में भी हलचल तेज हो गई, इंडिया अलायंस भी अपने ऑफिस, राहुल गांधी थोड़ी देर पहले अपने ऑफिस पहुंचे हुए थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि आज शाम ऑफिस जाएंगे पीएम मोदी, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। परिणाम जो है हमारे आशा के अनुकूल नहीं है और कोई चिंता की बात नहीं है, सरकार बन रही है, मैं पूरे प्रदेश के मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, वो बधाई देते हुए कई लोगों को नजर आ रहे हैं जिन्होंने जीत दर्ज किए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने, और वो आश्वस्त भी हैं जीत को लेकर। सूत्रों के वाले से ये बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आज शाम बीजेपी ऑफिस में जाएंगे पीएम मोदी, जो कि जिनकी अनुपम लगभग तय जीत मानी जा रही है, 1.5 लाख से ज्यादा वोट अब तक उनको पड़ चुके हैं और कुछ वोट बिल्कुल। मैं योगेश जी के पास एक बार चलूंगा, योगेश जी जब आपको जनता मैंडेट देती है और जिस उम्मीद का मैंडेट आप जनता से रखते हैं उस उम्मीद के मुताबिक मैंडेट नहीं आता है तो कितनी आपकी चुनौतियां बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियां कितनी बढ़ जाती हैं और आपको उतना ही ज्यादा आपको प्रूव भी करना पड़ता है जनता के लिए। ये देखिए एक और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, 7 बजे संबोधित कर सकते हैं आज शाम बीजेपी। जी योगेश जी बोलिए। देखिए जिस तरह से मैंडेट अभी एनडीए को मिला है उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, एनडीए के लिए सरकार बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से इंडिया अलायंस को मैंडेट मिला है, जितने सीट्स उन्हें मिलेंगी फाइनल टैली में, मुझे नहीं लगता कि वो कोशिश नहीं करेंगे सरकार बनाने की। एक जो बड़ी बात है वो ये कि अगर प्रेसिडेंट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को पहले इनवाइट करते हैं तब सिनेरियो कुछ और हो जाएगा, जैसे कि आपको भी पता है। लेकिन जहाँ तक बात रही कि जीतने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, चाहे कोई भी होगा, जो भी MP होगा, जो भी सरकार आएगी उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी हरियाणा के चुनाव हैं, अभी महाराष्ट्र के चुनाव हैं और अभी चुनाव का जो ये फीवर है ये अभी रुकने वाला नहीं है, तो दे हैव टू डिलीवर अगेन एंड अगेन चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर हमारे पास, इसको हम बता रहे हैं शाम 7 बजे संबोधित कर सकते हैं
ये सारी जानकारी अपने दर्शकों को हम देंगे। तमाम गेस्ट भी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सटीक जानकारी, सटीक इन्फॉर्मेशन न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन अभी खेल होना बाकी है और अभी पिक्चर बाकी है। हर एक पिक्चर क्लियर होगी जैसे जैसे वक्त बीतेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। फौरन हाजिर होंगे।